तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओला उबर की टैक्सी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं आप, क्या क्या जरूरत पड़ेगी और कैसे ओला उबर में आप अटैच हो सकते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुखराज ठाकुर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पुखराज के वीडियोज़। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कॉमेंट करना चाहें तो कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप ओला उबर में टैक्सी चलाना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओला उबर में टैक्सी चलाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो आपको एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक पैन कार्ड हो जाएगा आपका और एक आधार कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड खाली लगेगा। आप नियर बाई अपने अथॉरिटी में जा सकते हैं और खुद ही जाके अप्लाई करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जब मैंने बनवाया था तो मेरे 2 साल पहले तो मेरे को खर्चा जो आ गया था, जेन्युइन जो खर्चा होता है ज़्यादा नहीं होता, 1000-1100 रुपये के आसपास होता है, लेकिन बनता नहीं है। बनता किस वजह से नहीं है, क्या दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि जो वहाँ पे ऑफिसर वगैरह बैठे होते हैं वो बिना घूस के काम नहीं करते हैं, तो आपको चक्कर कटवाएंगे, ये गलत है, वो गलत है, या लर्निंग का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट में आप बार बार फेल हो जाओगे, ठीक है, सही से कोई गाइड नहीं करता। तो वहाँ पे यार मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अच्छे से पढ़ लिख के जाओ। ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो कि यूट्यूब का जो आपका उसका आपका जो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और आप जो है क्या कहते हैं सर्च करके क्या क्या एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। वहाँ पे जाओगे, कंप्यूटर सिस्टम पे आपको बिठा दिया जाएगा और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ करने होते हैं क्वेश्चन और कुछ परसेंटेज आपको लेके आना पड़ता है, 60-70%, तो आपका लर्निंग बन जाता है। आजकल ऑनलाइन भी सिस्टम कर दिया है तो लर्निंग बन जाएगा, ठीक है। 1 महीने के बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बुलाया जाएगा। वो वैलिड 3 महीने के लिए होता है लर्निंग, पर उसके अंदर आप टैक्सी नहीं चला सकते हो और आपको जाके फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा। जब आप टेस्ट के लिए फॉर्म वगैरह भर देंगे, फीस वगैरह फिर दोबारा से जमा होगी, फ़ोटो वगैरह आपकी पहले ही खिंच जाएगी लर्निंग के टाइम पे। उसके बाद वहाँ पे जाएंगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जो वहाँ पे ऑफिसर जो अधिकारी होंगे वो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बोलेंगे कि आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट दीजिए। तो आपको अपना वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देना है चला के, उनको गाड़ी चला के, मतलब जो भी वहाँ पे अधिकारी बैठा होगा, इंस्पेक्टर होता है, वो आपसे गाड़ी चलवा के देखेगा कि किस तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं। कभी वो बोलेंगे कि 8 बनाइए और कभी राइट लीजिए तो इंडिकेटर चलाइए, फिर लेफ्ट चलाइए और सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। और गाड़ी में खासकर एल लगा होता है, रेड कलर में आपने गाड़ी के पीछे दिखा होगा, आगे दिखा होगा, एल लिखा होता है ना रेड कलर में, तो उसका मतलब यही होता है दोस्तों कि लर्निंग, यानी कि जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो सीख रहा है अभी। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा, आपके दिए हुए पते पे आपके घर पे आ जाएगा। और मोटरसाइकिल अगर चलानी आती है तो मोटरसाइकिल का भी बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। और ये ऑथराइज ड्राइव जिस पे कर पाएंगे, नॉर्मल जो है मोटरसाइकिल चला लेंगे, मोटर के लिए LMV हो गया आपका, अगर मोटर कार चलाते हैं MCWG, तो ये आप वैलिड हो जाएंगे। तो आप इससे नॉर्मली टैक्सी तो चला ही सकते हैं, कमर्शियल यूज़ और ट्रक वगैरह तो नहीं चला पाएंगे, उसके लिए फिर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका लाइसेंस घर पे आ जाएगा। घर पे आने के बाद दोस्तों फिर क्या होगा कि अगर आपको जो है वो ज्वाइन करना है ओला उबर, अगर आपकी नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, गाड़ी के लिए क्या क्या पेपर रिक्वायरमेंट होते हैं लेने के लिए वो मैं किसी और वीडियो में बना दूंगा। फिर उसके बाद आपका आपको क्या करना होगा, ओला उबर के ऑफिस में जाना होगा, अपनी गाड़ी लेकर वहाँ जाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपका लगेगा ही लगेगा, जो भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं पूरे वो सारे लगेंगे, जो भी इंश्योरेंस पॉल्यूशन और फिटनेस परमिट टैक्स सारा कुछ लगेगा। आप वहाँ पे लेके जाइए, आपके सारे पेपर ले लिए जाएंगे और उसके बाद फिर आपका एक ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पर भी लेंगे। ओला उबर के जो अधिकारी वहाँ पर होते हैं वो आपसे गाड़ी चलवा के देखेंगे कि हाँ आप गाड़ी चला लेते हैं या नहीं चला लेते हैं, या पैसेंजर को बिठा के कहीं आपने ठोक ठाक दी या तो कोई नुकसान हो गया या दुर्घटना हो गई, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपका क्लियरेंस दे देंगे ओके, तो आपकी आईडी बन जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, ओला उबर के ऑफिस में आपके फोटोज वगैरह लिए जाएंगे, कुछ आपको समझाया जाएगा कैसे राइड बुक करनी है, कस्टमर के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। उसके बाद दोस्तों फिर टेस्ट लेने के बाद वो आपको बोल देंगे आप अपने घर जाओ, ठीक है, और आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, यानी कि आप
आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि आपके कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कुछ नहीं होना चाहिए आपके। देखो दोस्तों, अगर मान लो कभी आपने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किया है, या आपने किसी का सर फाड़ दिया, या किसी मैटर में आप किसी थाने चले गए या जेल चले गए, अगर आपके ऊपर कोई भी केस रजिस्टर्ड है तो आप ओला उबर में टैक्सी नहीं चला सकते जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन वैसे वो लोग खुद ही करवा लेते हैं ओला उबर वाले, अगर डायरेक्ट ऑफिस में जाते हैं। अगर बाय चांस कभी कभार होता है तो आपको खुद करवा के देना होगा। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है नियर बाय थाने में, आप उसको जमा करेंगे, फिर पुलिस वाला 2-4-10 दिन में आपके घर पे आएगा, विजिट करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि ये बंदा जेन्युइन है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसके पास नहीं है। वो आप ओला उबर के ऐप पे अपलोड करेंगे तो आपकी जो है ये आप ऑनलाइन हो जाएंगे। दोस्तों ऑनलाइन होने के बाद कुछ समस्या, अगर आप बहुत अच्छे परफेक्ट हैं चलाने में गाड़ी, अगर बिल्कुल फ्रेशर है, प्राइवेट नंबर गाड़ी चलाने में और टैक्सी चलाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, प्राइवेट तो आदमी आराम से चला लेते हैं, टैक्सी में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, 36 आँखें करनी पड़ती है, ये वाला शीशा फ्रंट का है, बैक का है, इधर उधर बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, पार करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है टैक्सी, ये सारे। अगर आपने 2 से 3 महीने अगर टैक्सी के अंदर निकाल लिए तो टैक्सी चलाने में आप दोस्तों परफेक्ट हो जाएंगे 101%, फिर टैक्सी चलाने लग जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही सीख जाओगे यार। तो आई होप कि अगर टैक्सी आप चलाना चाहते हो तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ तो पॉइंट मेरे काम के लगे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक दोस्तों ऐसी किसी वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कोई कमेंट हो, कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।